नमस्कार दोस्तों, सुनिए आपने, ये खटाखट भाई वो खटाखट नहीं है जो आप सोच रहे हैं 8500 वाली। दोस्तों ये है पुराना टीवी जिससे हमें मिलती थी जानकारियां। भाई शाम को आते थे समाचार, सिर्फ एक टाइम तब मिलती थी जाके कहीं जानकारी, और ये टीवी हमें देता था जानकारी। इसी तरह हम आज दे रहे हैं आपको कॉइन एग्जीबिशन की जानकारी हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई दोस्त चैनल पे अगर नया है वो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और दोस्तों आज हम बताएंगे आपको भारत में कहां कहां पर एग्जीबिशन लगने वाली है। बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, सीजन है बरसात का, मानसून आ चुका है देश के कोने कोने में। ऐसे ही कॉइन एग्जीबिशन का सीजन आ गया है भाई। इस महीने अगले महीने भारत के कोने कोने में एग्जीबिशन लगनी शुरू हो चुकी है। उन्हीं एग्जीबिशनों की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको आज हम बताएंगे कहाँ पे लगेगी, किस लोकेशन पे लगेगी। तो दोस्तों टाइम नहीं लगाते करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों अभी देखा आपने पीछे, एग्जीबिशन ही एग्जीबिशन हमारे भारत में कोने कोने में एग्जीबिशन लगी है, उसकी जानकारी शुरुआत करते हैं हम। पहली एग्जीबिशन जो लगेगी कोलकाता, दूसरी लगेगी भाई चेन्नई, तीसरी लगेगी जोधपुर, चौथी लगेगी बीकानेर। आज हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं की डिटेल बताएंगे आपको। स्टार्टिंग करते हैं कलकत्ता से। दोस्तों जो कलकत्ता के अंदर एग्जीबिशन लगेगी उसकी पूरी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, डिस्प्ले पे आप देख भी पा रहे हैं इस टीवी के अंदर। भाई ये हमें देता था जानकारी किसी जमाने में, आज जानकारी आज इसी से लीजिए। हम बताएंगे, हम माध्यम बनेंगे इसका। और यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देखिए, ये जो कलकत्ता में एग्जीबिशन लगेगी उसकी जो जगह है, उसकी लोकेशन है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो सारी आपको डिस्प्ले पे नजर भी आ रही होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो कोलकाता की एग्जीबिशन लगी है 26, 27, 28 जुलाई 2024 कोलकाता। और जो ये लगी है दोस्तों, ये है हल्दीराम, जो बैंकेट हॉल है वहां पर होगी। और इसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 10 AM से शाम को 7 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी। दोस्तों जो कलकत्ता के नजदीक है, भाई हम तो बहुत दूर हैं कलकत्ता से, काफी डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन जो दोस्त कलकत्ता के नजदीक है वो इस एग्जीबिशन में जाके अपनी जानकारी बढ़ा सकता है, अपने कॉइन की वैल्यू लगवा सकता है, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो जो दोस्त एग्जीबिशन में जाते हैं जानकारी के अभाव के कारण वो परेशान होते हैं भाई। और ये चीज हमने फेस की, जो लास्ट एग्जीबिशन में हम गए थे दिल्ली, वो वहां पे फेस की थी। लेकिन आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ये जानकारी दूंगा इस वीडियो के बाद कि आप कौन कौन से सिक्के वहां पर लेके जाएं। दोस्तों फालतू के सिक्के लेके जाना बोझ भरने वाली बात होती है भाई। और आप अगर वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से सिक्के लेके जाएं। अगर आपके पास कोई कॉइन है, आप जाने वाले हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके डाल सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्प्ले पे नीचे नजर दिखा रहा हूँ, नीचे नहीं भाई इस टीवी में, यहाँ पे आपको नजर आएगी डिस्प्ले पे मेरी इंस्टा आईडी, वहां पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझको। और जो जो कॉइन आपको दिखाने हैं भाई, ये कॉइन लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, दोस्तों इस बारे में आप हर सिक्के की जो नॉलेज लेना चाहते हो ना वो आपको मिल जाएगी। और इस एग्जीबिशन में जो जो फायदा उठा सकते हैं वो उठाइए भाई, कोलकाता में है। दूसरी एग्जीबिशन कहाँ लगेगी? चेन्नई भाई, साउथ साइड में इंडिया के चेन्नई में ये एग्जीबिशन लगने वाली है। और ये इसकी जो डेट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, चेन्नई में जो कॉइन एक्सपो 2024 के नाम से ये लगेगी एग्जीबिशन। और अगस्त 2, 3, 4 अगस्त इन 3 दिन में ये एग्जीबिशन रहने वाली है। इसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। और ये किस जगह लगने वाली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, AKR महल है, जो कि है कालीमन काली बालम बिगा नगर। और पूरी की पूरी जो एड्रेस की वो है भाई, ये थोड़े वर्ड ऐसे हैं साउथ साइड के जो हमारे थोड़ी दिक्कत आती है बोलने में, और वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि भाई ये एग्जीबिशन कहाँ लगेगी। और दोस्तों हमारे भाई जो हमारे दोस्त जो परेशान हुए थे एग्जीबिशनों में, पिछली एग्जीबिशनों में, उनमें कुछ जो सोसाइटियां हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने कुछ बदलाव किए, कुछ नियम लगाए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि कलेक्टर लोगों को परेशानी ना हो, सभी लोग आराम से उस एग्जीबिशन से जानकारी ले सकें, एक नॉलेज ले सकें और सभी से आप पहचान बना सको। तो दोस्तों अगर आप चेन्नई के पास से हैं, कहीं आसपास से हैं, तो वो इस एग्जीबिशन में जाके अपना कॉइन का वैल्यू लगवा सकता है, खरीद सकता है, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। तीसरी जो एग्जीबिशन लगने वाली है दोस्तों, वो लगने वाली है जोधपुर। जोधपुर जो एग्जीबिशन लगेगी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, वो लगेगी 23, 24, 25
23, 24, 25 अगस्त 2024 को ये एग्जीबिशन लगेगी जोधपुर में, जो कि है जोधपुर मुद्रा उत्सव 1.0। ये भाई जोधपुर में लगेगी इस नाम से, और फ्री एंट्री है सभी एग्जीबिशन में। भाई फ्री एंट्री होती है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सभी एग्जीबिशन में फ्री एंट्री होती है। और ये एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं जो भोपाल सोसाइटी है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, और इनके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो है मनीष जैन जी, उनके द्वारा ये जोधपुर में एग्जीबिशन लगाई जाएगी। दोस्तों राजाओं की नगरी, राज की नगरी राजस्थान, राजस्थान में आपको इतिहास पूरा देखने को मिलेगा, इतिहासों से भरा पड़ा है राजस्थान। तो वहां पर जो एग्जीबिशन लगेगी, वहां पर सिक्के भी भाई ऐतिहासिक आएंगे। अगर आप वहां जाएंगे, कुछ जानकारी लेके आएंगे, कुछ सेल परचेज लेके आएंगे, ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी जान पहचान बनेगी आपकी, जो आपके लिए आगे जीवन में लाभप्रदक रहने वाली है। और वहां पर आपको जो ऐतिहासिक कॉइन मिलेंगे, खरीदने के लिए भी मिलेंगे, सेल करने के लिए अगर आपके पास है तो आप सेल करने भी जा सकते हैं। और जो नियम और नए लागू किए थे, वो इसी सोसाइटी ने किए थे भाई, इन्होंने एक लेटर इशू किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी वो देख लीजिए, मैंने पूरी डिटेल बताई है उसमें। वो एक सराहनीय काम था इनका, इन सोसाइटी का, इनके मेंबरों का और अध्यक्ष मनीष जैन जी का, उसके लिए भाई मैं एक बार फिर से थैंक यू कहता हूं। और इस एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपको मिलने वाली है ढेर सारी जानकारी, और इस एग्जीबिशन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए है ना भाई, जो भाई नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहता हूं, ताकि इन एग्जीबिशनों में जब आप जाएं तो कौन कौन से आपको सिक्के लेके जाने हैं, कौन कौन से नहीं लेके जाने, वो सारी जानकारी हम देंगे। किसी भाई को दूसरी तरह की और किसी जानकारी की वीडियो चाहिए, वो भी हम बना के देते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद लगेगी दोस्तों बीकानेर एग्जीबिशन। भाई बीकानेर शहर जो कि है राजस्थान में ही, ये जो दो एग्जीबिशन है, ये दो शहर दोस्तों हमारे पड़ते हैं नजदीक, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे पहुंचने की। हो सकता है हम भी इन एग्जीबिशनों में जाएं, क्योंकि भाई ज्ञान जितना ले लो उतना थोड़ा है, जितना ज्ञान ले लो ना भाई उतना थोड़ा है। वहां पर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये चीजें आपको अगर सीखनी है, जानकारी हम देंगे आपको, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल जाकर अगर एक्सपीरियंस लेते हैं, जो भी कॉइन कलेक्टर है, जो भी कॉइन लवर है, जो भी सिक्कों से प्यार करता है, वो भाई वहां जाके अच्छे से प्रैक्टिकल जानकारी ले सकता है, उसको वो जानकारी कभी दिमाग से भी नहीं स्लिप होगी। तो दोस्तों बीकानेर की जो डिटेल है, कितनी तारीख को कौन बीकानेर शहर में किस जगह पे वो लगेगी, वो अभी अपडेट हमारे पास नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आएगी आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों इंडिया के अंदर अब तक जो अभी है कि भाई ये एग्जीबिशन इतनी तारीख इस जगह पे लगेगी, बीकानेर वाली की अभी है ना सिलेक्ट नहीं हुई है दोस्तों। और एक दोस्तों मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, और ये ऐसे ही अलग अलग तरह के एक मोटिवेशनल मैसेजेस होंगे जो कि मैं इस वीडियो के बाद हर वीडियो में दूंगा। दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको, अब देखिए ये है भाई सिक्के, कितने सारे सिक्के देखो, बिल्कुल इकट्ठा, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं, और इन ये इकट्ठे रह सकते हैं तो हम इंसान इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, किसी इंसानियत से बड़ी चीज ना कोई नहीं होती भाई, और देश से बड़ा जो राष्ट्र है ना उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो हम धर्म के अंदर, जातियों के अंदर ना भटके इकट्ठा रहने की कोशिश करें, मेरा एक ये मैसेज है, सोशली मैसेज है। ऐसे ही अच्छे मन चाहे जो मेरे को अच्छे लगते हैं, हर वीडियो में मैं आपको ये मैसेज डालता रहूंगा आगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको, और ये जो हमारा टीवी है ये कैसा लगा भाई, ये खटाखट सुन लो भाई इसकी आवाज ना दोस्तों, भाई बचपन में मैंने भी चलाया है, ये बहुत दिल को छू जाने वाली आवाज है। आज ये टीवी दोबारा से देख के मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा, आप देखते भी रहेंगे आगे वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।